वेलकम बैक इन माय चैनल एस एस स्वराज फिल्म। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी नोएडा में हूँ और मेरे साथ एक और नया साथी जुड़ गया है। देखो, हेलो। इसे शायद बहुत लोग जानते होंगे, तो ये है मेरा जूनियर राहुल कुमार। क्या? तो हम लोग दोनों रूममेट हैं और फिलहाल अभी कहाँ घूम रहे हैं? अभी हम लोग अरे लोकेशन नहीं बताना था। तो फिलहाल हम लोग घूम रहे हैं एक नोएडा के सेक्टर में, लोकेशन तो आपको बताएंगे नहीं। तो गाइस कुछ बातें पर्सनल भी रखना चाहिए, तो फिलहाल ऐसे ही घूम रहा हूँ। मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट छोड़ दिया था पिछले ब्लॉग में, तो सोचा कि क्यों ना उसको कंप्लीट किया जाए। तो फाइनली मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया हूँ और अभी बस एक सेक्टर में घूम रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ बस छोटा सा झलक जिस सेक्टर में मैं हूँ। और ये देखो लड़का फ़ोन पे ही बिजी है, इतना सुंदर सेक्टर है। नहीं नहीं, और फ़ोन पे बिजी है। तो गाइस देख सकते हो पूरा मोहाली और चंडीगढ़ वाला वाइब्स यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे रहते हुए हम लोग को महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग कहीं नोएडा में रह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, एकदम मोहाली वाली फीलिंग आ रही है। मोहाली और चंडीगढ़ वाला, चंडीगढ़ वाला। तो हम लोग, मैं तो पिछले 3 साल से मोहाली में रह रहा था चंडीगढ़ में, और ये 2 साल से। तो फाइनली जैसा वहाँ का माहौल था वैसे यहाँ का भी माहौल, और कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। बस लोग सब डिफरेंट है ना। बस हाँ हाँ, बस सिर्फ लोग सब अलग दिख रहे हैं, बाकी बात सब कुछ तो सेम ही है। वही गलियां, वही की तरह सेम। तो हम लोग का याद ताज़ा हो जाएगा यार। और वैसे ही जगह जगह पे पार्क देख सकते हो, जैसे मोहाली में था अपना, यहाँ पे हर एक कुछ दूर पे ही पार्क, तो काफ़ी ज़्यादा पार्क है। और ऐसे ही कॉलोनी में हम लोग सोसाइटी में टहल रहे हैं। और इधर एक मार्केट दिख रहा है, तो चलो देखते हैं ये मार्केट में घूमते हैं, है ना। कैमरा मस्त, बहुत बढ़िया तो कैमरा सबसे भाई वन प्लस का जूमिंग भी नहीं फटता है, वन प्लस का फोन है तो होगा ही। हम लोगों को तो मोबाइल में वो ब्लर आने लगता है रात में ही। यहाँ देखो नाइट व्यू कैसा है, नाइट में भी मार्केट का स्टार्टिंग। और ये शायद हमको लग रहा है खोखा मार्केट का स्टार्टिंग है। और इधर कोई थाना है, कुछ भी एल आई यू, आई एल यू नहीं है। देखो पूरा खोखा मार्केट वाला वाइब्स आ रहा है। छोटा सा खोखा मार्केट यहाँ पे भी है, देख सकते हो। तो मोहाली के जो फेज़ वन में खोखा मार्केट है, अगर आप मोहाली से होंगे तो आपको पता होगा। ये देखो पूरा वैसे ही भीड़, पूरा हर एक चीज़। तो मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ा नॉइज़ ऑडियो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो गाइस बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देख सकते हो यहाँ पे पूरा छोटी खोखा मार्केट है ये। जिम है, अच्छा था भाई, जिम भी है ना, कहाँ पे है जिम? और उधर जिम भी है, यहीं पे जिम करने आऊँगा। इधर आम बिक रहा है, इधर बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो राहुल कैसा लगा खोखा मार्केट, छोटी खोखा मार्केट? बहुत अच्छा, एकदम मोहाली वाली फीलिंग आ रही है। तो सेम टू सेम ये जैसा खोखा मार्केट था बिल्कुल ऐसा है। मजा आ रहा है राहुल यहाँ पे घूम के ये मार्केट में। फीलिंग नहीं आ रही थी कॉलेज तो बस आप घूम रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे इधर इतना शॉप, पूरा शॉप ही शॉप नोएडा के गलियों में। देख
हम लोग को अच्छा हुआ ना जो पता चल गया ये वाला हम लोग घूमने आए थे, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग बहुत दूर गए थे। कल जब हम लोग यहाँ आए थे तो फालतू में आनंद विहार गए थे मार्केटिंग करने के लिए। हम पता चला कि जस्ट बगल में ही इतना अच्छा मार्केट है हमारे सोसाइटी के जस्ट बगल में। देख रहे हो, और कोरोना का तो बिल्कुल डर नहीं है यहाँ पे। लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत लोगों का देख सकते हो, जैसे कि मास्क विदाउट मास्क, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं है कोरोना का। और यहाँ से बस मेट्रो स्टेशन आ गया यहाँ पे, ये वाली सीधे मेरी ऑफिस जाती है। नहीं ये वाला नहीं, इसके जस्ट उधर वाला। अच्छा, ये तुम्हारा ऑफिस जाता है? ऑफिस सोच रहे ना कि ऑफिस जाएंगे ना तो उसका भी वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे हम ऑफिस जाते हैं। तो गाइस अगर देखना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, ऑफिस पे भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपके इधर ऑफिस है ना? हाँ, नहीं मेरा सीधे उधर है। उधर है? और ये देख सकते हो ये दिल्ली के नेड़ा के सड़कों पे, मतलब नियम कानून साफ है, भूल गए हैं लोग, कोई किधर से भी आ जा रहा है ना, नियम कानून लोग साफ भूल गए हैं। बहुत लोग तो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। हाँ, जिनको कोरोना का डर ही नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा ये राहुल लंचर, ये सीधे वाला रोड, ये राहुल के ऑफिस की तरफ से जाता है और उधर से मेरा ऑफिस जाता है। तो हम दोनों का ऑफिस ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो वो उससे अच्छा तो मेरा यहीं रहेगा। कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं और अच्छे लोकेशन दिखाएं, अगर ऐसा दिखता है कुछ अच्छा लोकेशन तो चलो देखते हैं, खोजते हैं कोई अच्छा लोकेशन। तो गाइज फाइनली हम लोग अपना सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और अभी जाएंगे अपने रूम पे फिलहाल, और फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो सोसाइटी में इंटर होते ही आप, एक मिनट, यहाँ पे कार पार्किंग होता है, जितने भी कार हैं सबका यहीं पे पार्क होता है। वैसे कार पार्किंग दे रखा है बहुत सारा सोसाइटी में, रोड पे भी आप कर सकते हो, लेकिन एक स्पेशल कार पार्किंग सोसाइटी के लिए। तो हम जाते हैं फ्लैट, काफ़ी घूम घूम के थक गए। और यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक चीज़ मिलता है सोसाइटी के जस्ट पास ही, सारा कुछ सोसाइटी में मिल जा रहा है उधर। और बेहतरीन बेहतरीन घर सब है यहाँ पे, देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर घर है, घर भी बहुत ही नोएडा सच में। तो गाइज नोएडा बहुत ही सुंदर है, जस्ट लाइक चंडीगढ़, चंडीगढ़ से थोड़ा सा एडवांस है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये आ गया छोटा सा क्लब रेस्टोरेंट, यही सब आ गया जस्ट मेरे रूम से वही 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये छोटा सा मार्केट, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल रहता है। तो चलो, बस ये है कि बस 500 मीटर पे ये हम लोग को मिल जा रहा है। चलो राहुल अब चलते हैं। तो राहुल भी बेचारा बहुत थक गया चल चल के आज मेरे साथ। तो गाइज ऑफिस से हम लोग आए और सोचे कि काफ़ी दिनों से तो चैनल पे अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो सोचे कि अब यार अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों से बात नहीं करते तब तक अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो गाइज बस यही है कि सपोर्ट करते रहो, दिखाते रहो सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कहाँ नोएडा का कौन सा सेक्टर देखना है, मतलब नोएडा में और क्या क्या देखना है। वैसे आज जब मैं ऑफिस गया था तो सुबह सुबह लिस्ट बना रहा था कि नोएडा में क्या क्या है और कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो गाइस बहुत ऐसा लिस्ट है जो बना कर रखे हुए हैं, अगर टाइम मिलता है तो जाएंगे
और ब्लॉग बनाएंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइज़ अगर आप लोग को पता होगा कि नोएडा में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ है जो दिखा सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और क्या बोले राहुल, राहुल तुम कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, हाँ नहीं, आज तो थक गया पूरा। लोग यहाँ के बहुत केयरलेस हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मास्क लगा के नहीं रखते हैं। फिलहाल तो अब जा रहे हैं फ्लैट, तो फिलहाल तो अब जा रहे हैं अपने रूम पे। तो गाइस अब मिलते हैं डायरेक्ट रूम पे आप लोगों से। लेकिन रूम पे जाने से पहले यार, आई थिंक बहुत बेस्ट लोकेशन तो हम लोग को मिला है, जो कुछ भी मिला है, जो हम लोग का रूम मिला है वो बहुत ही बेस्ट लोकेशन पे मिला है। वो क्यों मैं दिखाऊँगा आपको, चलो दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो जस्ट सामने, ये रहा मेरा फ्लैट, ये मेरा रूम, और यहाँ पे जस्ट सामने पार्क। चले पार्क से आए, तो जब से यहाँ पे आया तब से एक बार भी पार्क नहीं गया। तो गाइस देखते हैं पार्क में जाने का रास्ता किधर से है। हाँ रास्ता ही नहीं मिल रहा है पार्क में जाने का, देखते हैं उस तरफ से जाकर। हाँ यहाँ से है रास्ता। तो ये देख सकते हो छोटा सा पार्क, बहुत सारा झूला समथिंग लगा हुआ है यहाँ पे, आराम से यहाँ पे अपना फ्लैट, और यहाँ पे ये जस्ट सामने पार्क। तो जिम का भी बहुत सारा आइटम है, देख सकते हो यहाँ पे जिम भी कर सकते हैं, आराम से खेल भी सकते हैं, और बहुत ही। तो फिर कभी अगर दिन में टाइम मिलता है, जब छुट्टी रहा, तो आके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो जा रहे हैं रूम पे, यहाँ देख सकते हो जस्ट यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्क है, ये भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन ये अंधेरा इसलिए अभी वहाँ पे जाएंगे नहीं। तो फिलहाल तो अब जाते हैं नेक्स्ट फ्लैट अपने रूम में।